हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेजेस छोड़े थे. अ लॉट ऑफ गर्ल्स वांटेड टू नो अबाउट माय लिपस्टिक शेड्स. तो मैंने सोचा आज मैं आपको फाइनली दिखाई दूं, आज मैं बताई दूं कि लिपस्टिक्स मैं कौन कौन सी यूज करती हूँ. यू नो वॉट, बहुत सारी मुझे मालूम है कि लड़कियां बड़ा झूठ बोलती है लिपस्टिक के मामले में. मैं किसी से पूछी, यार ये शेड कितना अच्छा लग रहा है यार, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है. मेरी फ्रेंड से पूछ दूंगी ना, कितना यार क्या लिपस्टिक का शेड लग रहा है, कौन सा लगाया यार. पता क्या है, मैं ना मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ. ये सिर्फ मुझे ही शेंडी लगा रही होती है, सब झूठ. मैं आपको मेरे को झूठ से बड़ी नफरत होती है, इसलिए मैं मेरे व्यूअर्स से तो झूठ कतई नहीं बोलूंगी. मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि मैं लाइव पे आती तो बहुत लोग पूछते हैं, यार मैंने कौन सा लिपस्टिक शेड लगाया है, मैंने कौन से कौन सा वाला शेड किससे मैच किया है. मैं कोई ज़्यादा मिक्स एंड मैच नहीं करती हूँ, लेकिन बड़ा सिंपल रखती हूँ. लेकिन कौन से वाले ब्रांड यूज़ करती हूँ और वो कितने के पड़ेंगे और कौन से शेड होंगे, एग्जैक्टली आज दिखाऊंगी. रेडियो आ जाओ फिर. ओके, राइट नाउ जो आप मुझे देख रहे हो वो विदाउट लिपस्टिक देख रहे हो, एब्सोल्युटली लाइक नो लिपस्टिक देख लो, नो लिपस्टिक. पता लग रहा है? तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पहले तो लिपस्टिक लगानी है, कोई भी लिपस्टिक लगानी हो, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपने कोई भी बाम यूज करें फेस पे, लिप्स पे. सोचो लोग बाम यूज कर ले फेस पे, उसके बाद अगला दिन मुंह सूजा पड़ा. तो बाम यूज करें लिप्स पे कोई भी, अच्छा ओके. देन इसलिए मैं बता रही थी, दो बाम होते हैं, जो कि एक तो महंगा वाला है थोड़ा, तो अगर आप यू नो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन वन गुड लिप ग्लॉस, जो कि लिप बाम भी होगा, ग्लॉस भी होगा, थोड़े आपके लिप्स को ऐसा भी कर देगा, लाइक दैट्स अ गुड कंपनी. नॉट दैट दूसरा वाला जो मैं बताऊँगी वो बैड कंपनी है, दोनों ही अपनी जगह अच्छी कंपनी है, लेकिन एक महंगा है बहुत और एक सस्ता है बहुत. तो मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ कि मैं जल्दबाजी में होती हूँ तो सस्ता वाला भी यूज़ करके चली जाती हूँ, और अगर टाइम होता है, लोगों से लाइक मिलना मिलना होता है, तो महंगा वाला यूज़ करके जाती हूँ. तो मैं दोनों अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं, यू नो. तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा वाला लिप बाम यूज़ करें जो कि यू नो एवरी डे डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो मैं आपको पहला तो सबसे थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट कर सके इस बाम में, ये है डियोर का है, ये क्रिस्टन डियोर का बाम है, और लिप ग्लॉस बहुत ही अच्छा है, मिंट फ्लेवर का है ये. सो दिस आई थिंक यू नो गर्ल्स शुड इन्वेस्ट इन दिस. तो कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके जमा करके आप एक अच्छा डियोर का, ये है देख लो आप, क्रिस्टन डियोर का है ये, और ये आपको किसी भी अच्छे शॉपर्स शॉप या कहीं भी किसी भी अच्छे जहाँ पे भी डियोर का काउंटर हो वहाँ जाकर आप ये ले सकते हैं. तो जस्ट सी दिस, दिस इज कॉल्ड लिप मैक्सिमाइजर, अगर आप पढ़ लो इसको. सो दिस इज कॉल्ड लिप मैक्सिमाइजर, ये आप ज़रूर यूज़ करें. या फिर बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ मामला चाहिए तो ये पतंजलि का है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. एंड मैंने ना ये रिसेंटली यूज़ किया था एंड आई लव्ड इट. मतलब ये दो चीज़ें हैं, ये जो दोनों में से कोई भी एक अपने पास रख लो. ये आई थिंक मुझे जो ये याद आ रहा है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही यार 25 रुपये का था ये. ये कुछ आएगा शायद 3000 के करीब का, ये दिस इज 3000 के करीब का आएगा. बट ये जो है ये मेरे ख्याल से 25 रुपये में आपका काम हो जाएगा. तो मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ कि आपको ये कैसे यूज़ करना है. सो दिस टू
यू शुड इन्वेस्ट इन. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कौन सी वाली लिपस्टिक्स मैं लगाती हूँ. आज मैं आपको बताऊंगी. देखो नॉर्मली जो सारी यूज होती हैं लिपस्टिक्स वो मैक की बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. सो ये मैक के शेड्स हैं मेरे. बट इसमें ना क्या होता है, हम जब यूज करते हैं ना तो ये लगेंगी बहुत अच्छा, लेकिन बीच में से ना थोड़ी देर में निकल जाती है. लाइक यहाँ से खाली हो जाएंगी, एंड एंड में रह जाएंगी, फिर आप उसको भरो, फिर खाली हो जाती है, फिर वो एंड एंड में रह जाती है. तो एंड में क्या होता है, मेरे होंठ ही फट जाते हैं. सो मैं ये यूज करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दीज मैक की लिपस्टिक्स ऑनेस्टली. अब जो लिपस्टिक्स मुझे एक्चुअली मजा आता लगाने में, जो कि आप एक बार लगाओगे ना और वो पूरा दिन रहती हैं. आर यू रेडी गाइज? रोज वाली जो लिपस्टिक्स मैं लगाती हूँ वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ. ओके गाइस, दिस इज द वन दैट आई यूज ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, जो कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आती है. मैंने देखा है बहुत लोग इस लिपस्टिक के बारे में पूछते हैं मुझसे. सो दिस आपको आज मालूम पड़ गया कि ये है वो लिपस्टिक. शुगर ब्रांड है, ऑनलाइन मिलेगा आपको. एंड आई थिंक कुछ इसका जो प्राइस है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ 750 है. इट इज़ अंडर 1000 रुपीज़. इसका नाम मुझे थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है वो है कुछ मैरी पॉपिंस. आई विल स्टिल हैव टू चेक, बट ये कुछ पॉपिंस है. आप जो ऑनलाइन देखोगे तो ये शेड देख लेना, ध्यान से देखो इस लिपस्टिक को. So time to show you my next shade. कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए. Appreciate करो. So time for the next shade. You are going to love this shade. If you like red, you're going to love it. Love this shade. This is again sugar का shade, which is matte as hell. 01 Scarlet O'Hara. So ये आपको ऑनलाइन मिलेगी. जस्ट टेक ऑल दीज डिटेल्स, यू विल फॉल इन लव विद दिस शेड. अब देखना चाहते हो मेरे पे कैसा लगता है शेड. सो दिस इज द शेड जो कि आप डेली भी यूज कर सकते हो, लाइक एवरी डे. और लेकिन आप मेकअप अगर लाइक बिल्कुल न्यूड रखें, मेकअप ज्यादा नहीं हो फेस पे, तो यू शुड यूज दिस. और या फिर आप पार्टीज में जा रहे हो या कुछ है, तो ये पूरा दिन एक्चुअली यू नो आपने एक बार लगाया ना तो ये हटेगा नहीं इजिली. ये इतने प्यारे शेड्स हैं, एक बार लगाओ और पूरा दिन आप खाते पीते रहो. थोड़ा सा शायद बीच में से आपको दोबारा लगाना पड़ जाए, बट ये अदरवाइज दिस इज अ किक एस लिपस्टिक. किक एस मस्त वाला शेड है. ये भी लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कैसी लग रही है. अब है अगले वाले की बारी, आपको दिखा देते हैं. ये अनदर शुगर का शेड है, शुगर लिपस्टिक, और इसका है नाम मैटी एज हेल बेबी 12 बेबी हाउसमैन. यू कैन टेक ऑल द डिटेल्स. तो मैं अब आपको ये लगा के बताती हूँ. दिस इज अगेन एन ऑसम सेक्सी वाला शेड. आई लव दिस शेड. I'm sure a lot of people will love this shade. बहुत ही प्यारा. This is like a deep dark magenta. मैंने आपको इसका नाम बता दिया, if you want to buy this. So ये मेरे बहुत कुछ favorite shades हैं. Red में मेरे पास और भी बहुत सारे shades हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. और सुन लो, मेरे व्लॉग पे आके अगर किसी ने बिग बॉस के कमेंट्स किए, बिग बॉस के कमेंट्स छोड़े, एक एक को गोली से उड़ा दूंगी. बता रही हूँ जी, बिग बॉस वाले हैं ना, मेरे व्लॉग्स पे कमेंट मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है. मुझे भी अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए बिग बॉस. लेकिन आपको क्या लगता है, ये अर्थी ने सही किया, इसने सही किया,
यार किसने सही किया किसने नहीं किया, ये मेरे व्लॉग, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे व्लॉग है, मेरे व्लॉग है, मैं नई नई अभी व्लॉगर बनी हूँ, मैं उन आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर फटती हूँ, मत करो ये, मत करो बिग बॉस की बातें यार, मैं मत करो प्लीज। अरे आप आंसू आ रहे। ओके, देयर इज दिस वन शेड जो कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो, दिस इज नॉट शुगर ब्रांड बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लिपस्टिक, बट आई गेस ये मुझे मैंने बहुत पहले खरीदी थी, YSL की है, जस्ट हैव अ लुक, ये YSL की है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन YSL ब्रांड तो आप ये लिपस्टिक ले सकते हो, जस्ट हैव, दिस इज लाइक, ये ग्लॉसी है, दिस नॉट मैट फिनिश, रेड है कलर, लेकिन ये ग्लॉसी टच देता है, ये मैट फिनिश नहीं देगा आपको, बट स्टिल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, मैं आपको इसका शेड नंबर बता देती हूँ, इफ यू लाइक इट यू कैन गो फॉर इट, रूज रूज पर कतू कतूर ऐसा कुछ, रूज पर कतूर सो ये मैं आपको लगा लगा के दिखा देती हूँ कैसी लगती है, देख लो अपने आप सोच लेना, ये मेरे पर अच्छी लगी है तो आप पे भी अच्छी लगेगी, मेरे पर अच्छी नहीं लगी तो आप पे भी नहीं लगेगी, लेकिन अपना अपना सबका स्किन टोन होता है, हो सकता है आप पे बहुत अच्छी लगे मेरे पर ना लगे, देख लो आपकी चॉइस है। ओके सो दिस इज दैट थोड़ा सा ग्लॉसी शिमर फिनिश वाला ये लिपस्टिक है एंड आई लव इट, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में उतर भी जाती है, बट ठीक है अगर आप पार्टीज में जा रहे हो देन यू कैन यूज दिस, लाइक डेली वेयर के लिए तो ये डेफिनेटली नहीं है, बट ये पार्टीज पार्टी वेयर के लिए है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ये अपनी अपनी चॉइस है, लाइक कभी कभी यूज़ करने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ये डेली यूज़ के लिए तो मैं नहीं लगाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू नो अगर मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंड मेकअप करूँ, लाइक अ वेरी न्यूड मेकअप, और ऐसी वाली लिपस्टिक लगा लो तो यू नो यू योर लिप्स स्टैंड्स आउट, और इस तरह से आपके लिप्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे तो काफ़ी मोटे मोटे होंठ भी हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा भी करती हूँ ना तो मेरे होंठ पे ऐसा करके दिखता है, सो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा लाइट मेकअप रखती हूँ और लिपस्टिक ऐसी लगाती हूँ सो दैट यू नो इट स्टैंड्स आउट, सो आई लव दिस शेड, आई डोंट नो आप लोग डिसाइड करो इफ यू लाइक इट। अच्छा ये अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए, तो ये भी शुगर की एक लिपस्टिक है, इट्स नॉट वन ऑफ माई फेवरेट, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जब ग्लॉस यूज़ कर लेती हूँ, लाइक अगर मैं ये थोड़ा सा लिप मैक्सिमाइजर यूज़ कर लूँ, ये कुछ ज़्यादा ड्राई है लिपस्टिक, यू नो सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट लोगों को कि आप ये कोई भी ग्लॉस जरूर यूज करें बिफोर अप्लाइंग दिस लिपस्टिक, इसका मैं आपको शेड बता देती हूँ, दिस इज 04 प्लम यम, ये शुगर ब्रांड की लिपस्टिक है, सो मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ओह माय लिप्स लुक्स गुड विदाउट लिपस्टिक आल्सो, देखो मुझे बहुत ज्यादा लिपस्टिक की जरूरत नहीं है। This is how it looks. Nice ना? मुझे भी अच्छी लगती है कभी कभी लगाने के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा ड्राई हो जाती है, लाइक अभी थोड़ी देर में एकदम ये मैट फिनिश हो जाएगी, सो मैं थोड़ा सा प्रेफर बहुत ज्यादा एकदम ऐसी हो जाए ना मुझे मजा नहीं आता है, बट यार ठीक है ये अच्छी है लिपस्टिक, लेकिन थोड़ा सा कुछ बाम वगैरह यूज करो इसको लगाने से पहले। ओके ये एक मैंने एस्टी लॉडर का ब्रांड लिया था, एस्टी लॉडर की लिपस्टिक है, सो दीज आर इम्पोर्टेड ब्रांड्स, बट ये भी बहुत मुझे अच्छी लगती है लिपस्टिक, थोड़ा सा मैजेंटा लाइक डार्क पिंक शेड है, विच इज कॉल्ड 240 नंबर है एंड इट इज कॉल्ड नॉटी नेव। नाइस ना, इट्स अ वेरी नाइस लिपस्टिक, ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, आई थिंक दिस मस्ट बी अराउंड 2500 की एक लिपस्टिक है, बट येस इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ गुड लिपस्टिक तो फिर ये इतना वाला एक्सपेंसिव तो होता ही है,
क्या करोगे आज ना, मेरे होंठ ऐसे सूज जाएंगे रात तक, इतनी सारी लिपस्टिक लगा लगा के आप लोगों के लिए मैं हटा रही हूँ. यू बेटर अप्रिशिएट माई एफर्ट्स. टाइम फॉर अनदर लिपस्टिक. अनदर लिपस्टिक. हाँ देखे, चलो ठीक है मैं आपको बता. ये मैंने कैसे नहीं बताई आपको. दिस इज अगेन फॉर फ्रॉम शुगर ब्रांड. और यार शुगर क्या लिपस्टिक्स निकाल, क्या लिपस्टिक निकालता है बॉस, क्या लिप्स. पर इसका इफ यू लाइक रेड, ब्लड रेड, दिस इज लाइक अ ब्लड रेड शेड, मैट फिनिश. एंड इट्स अबाउट टाइम विविड लिपस्टिक 05 दैट 70s का रेड. सो इफ यू वांट इट यू कैन बाय दिस. Okay, so this is how it looks. I love this shade, yeah. Reds मुझे बहुत पसंद है यार. Reds के मैं आपको एक आध और शेड दी, मेरे पास एक और है यार. Red के मेरे पास बहुत शेड्स हैं. एक मैंने ना शुगर की वाइन कलर भी मैंने बहुत लिया था, मेरी मम्मी मार के ले गई वो. जाते आते ना चुपके से निकाल के ले गई. माँ को मना भी तो नहीं कर सकते ना, माँ है. मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब बात करती हूँ. मेरी माँ ही तो लेके गई है, ले गई, क्या करोगे. अगर आपका बजट अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाइक थोड़ा सा आप एक्सपेंसिव तैयार हो खर्च करने के लिए, थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, तो यू कैन गो फॉर डियोर, यू कैन गो फॉर एस्टी लॉडर वाला लिपस्टिक्स. बट मैं पैसा खर्च करने से ज़्यादा मैं ये भी मानती हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे कौन सी लिपस्टिक्स अच्छी लग रही है. इट्स नॉट अबाउट ब्रांड, इट्स अबाउट द शेड्स एंड द फील. जो आप लगाते हो आपको मजा आ रहा है कि नहीं लगा के, आपको वो कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है कि नहीं वो लिपस्टिक्स लगा के. सो मेरे लिए इट्स ऑलवेज शुगर 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 शुगर. सो दीज आर द लिपस्टिक्स दैट आई रियली लाइक. मेरे लिए ये ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कुछ और यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन दीज आर द ब्रांड्स दैट आई रियली यूज़. तो अगर आप लाइक नॉर्मल आधे बजट में अगर आप इन्वेस्ट 1000 के अंदर अंदर इन्वेस्ट करने में को तैयार हो, देन दीज आर द ब्रांड्स. लेकिन अगर आप मैक की तरफ भी जाओ, लाइक दीज आर ऑल मैक का लिपस्टिक्स, मैक की तरफ भी जाओगे तो भी आपको यू नो मैक भी 2000 से कम नहीं है. सो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप शुगर ब्रांड यूज करो एंड ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद दीज लिपस्टिक्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ओके, जिस तरह से तरीके से लिपस्टिक्स को लगाना बहुत ज़रूरी है, उस तरह से लिपस्टिक्स को उतारना भी उतना ही ज़रूरी है. और इसको आप ये कहोगे कि कुछ भी आप कॉटन लेके और ऐसे ही करके उतार दो तो वो भी ठीक नहीं होता. सो आई थिंक इन्वेस्ट इन अ गुड रिमूवर, मेकअप रिमूवर. ये लिपस्टिक रिमूवर है, आई मेकअप रिमूवर है, ये बॉडी शॉप का है. सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़, बॉडी शॉप का कैमोमाइल वाटरप्रूफ आई एंड लिप मेकअप रिमूवर. सो ये इससे अगर आप कॉटन पे लगा के थोड़ा सा आप लिप्स पे लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका लिपस्टिक जो है वो उतर जाएगी. सो इन्वेस्ट इन दिस. आई थिंक इसका जो प्राइस है ये कुछ होगा मेरे ख्याल से 800-1000 का होना चाहिए शायद, इससे ज़्यादा का नहीं होगा. बट इन्वेस्ट इन अ गुड मेकअप रिमूवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप भी कहो कि कोई भी आप लगा लोगे लिपस्टिक और अच्छी से अच्छी लगा लोगे लेकिन उसको ठीक तरह से रिमूव नहीं करोगे तो आपके जो फेस है ना वो बंखाड़ बन जाएगा, एकदम झाड़ू हो जाएगा आपका फेस. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन अ गुड मेकअप रिमूवर विच इज दिस दिस दिस. सो इन्वेस्ट इन दिस. ओके गाइस, सो ये था मेरा लिपस्टिक्स पे व्लॉग. और मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि मैं कौन सी लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, कौन कौन से शेड्स यूज़ करती हूँ. सो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई वांट ऑल योर फीडबैक कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी लिपस्टिक से शेड कैसे लगे और आप और क्या क्या देखना चाहते हो. डू लीव अ कॉमेंट सो दैट आई नो कि आप लोगों को और क्या क्या देखना है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो आपके कमेंट्स मिल रहे हैं ना, वाह यार तुमने मेरी लाइफ बना दी, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना व्लॉग करने में ही. सो आई विल डू मोर एंड मोर व्लॉग्स फॉर यू, आई विल मेक गुड वीडियोज़ फॉर यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट. अगर मेरे पास जितना भी शूटिंग से टाइम मिलता है
तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपको और क्या क्या देखना पसंद है. एंड यस, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट. एंड रियली यार, लव यू गाइज, सी यू सून, बाय.